लोक विदु अनुत्तरो, ये तीन जो शब्द है, अनुत्तरो, लोकविदु और सुगत, सुगतो लोक विदु अनुत्तरो, ये जो तीन शब्द लगभग बहुत ही उच्च स्तर के हैं। ये लगभग उनका अर्थ थोड़ा अगर देखा जाए तो, लेकिन एक ही समान इसमें आते हो, तीनों शब्द बड़े उच्च स्तर के हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा विद्याचरण तक, ये विद्याचरण संपन्न संपूर्ण ज्ञान तक यहाँ तक आ गए, और ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, सुगतो लोक विदु अनुत्तरो, और ये तीन एक ही समान आते, थोड़ा बहुत फर्क अगर होता है वो लोक विदु में, लेकिन अगर देखा जाए तो तीनों समान उनका उच्च दर्जा है, छोटा मोटा दर्जा नहीं इनका। सुगतो माने सुगति को प्राप्त होना, तो सुगति माने क्या और दुर्गति, दो बात हम सुनते, दुर्गति और दुर्गति के अगर विरुद्ध में देखा तो सुगति, तो जो सुगति को प्राप्त होता है वो दुर्गति के निश्चित नहीं रहता है। तो दुर्गति माने क्या ये हमें पहले समझना है, तो उसको कहते हैं बहुत ही अच्छा तन्ना वर्ग में, मेरे ख्याल से तन्ना वर्ग में तो कोई तो भी इसमें है, ये दुर्गति के बारे में बताया है, शायद हो सकता दूसरे गाथा में हो, तो ऐसे कहते अलज्जिताय लज्जन्ति, लज्जिताय न लज्जरे, मिच्छा दिट्ठि समाधाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। फिर कहते हैं अभयच भय दश्चिन्नो, भयच अभय दश्चिन्नो, मिच्छा दिट्ठि समाधाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। फिर कहते हैं अवज्जच वज्ज मत्तिनो, वज्जच अवज्ज दश्चिन्नो, मिच्छा दिट्ठि समाधाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। ये तीन जो बातें इसमें कहते हैं कि यहाँ जो कहते हैं कि तीन बातों में जो रहता है दुर्गति को, अर्थात मिच्छा दिट्ठि समाधाना सत्ता गच्छन्ति, सत्ता माने संसार, ये दुनिया, ये सारा जग, तो क्या कहते हैं सत्ता माने संसार दुनिया, और क्या कहते हैं गच्छन्ति यानी जाती है, कहाँ जाती है दुर्गति के तरफ, दुर्गति के तरफ जाती है। मिच्छा दिट्ठि जो मिथ्या धारणा में है, आज भी जो मिथ्या धारणा में है वो दुर्गति को प्राप्त होती है, मतलब गच्छन्ति दुर्गति माने दुर्गति को प्राप्त होती है। कौन से क्या बोले इसने, मिथ्या धारणा माने मिथ्या धारणा, और मिथ्या धारणा माने आपको हमको हमेशा हम लोग इसमें बातें करते रहते हैं, और क्या है तो मिथ्या धारणा, क्या कहते हैं किसको कहते हैं मिथ्या धारणा, तो जो मिथ्या धारणा है कि हमें आचरण करना चाहिए लेकिन हम आचरण नहीं करते, और हमें अगर कहा है कि किसी को क्या कहीं जाकर मन्नत मंगा लो उसके नाम से, फिर वो शॉर्टकट अपनाते हैं, और फिर वहां जाकर भले ही फायदा ना हो वहां लेकिन शॉर्टकट अच्छा लगता है, जैसा गंगा स्नान करना, गंगा स्नान करने से पवित्र होता है, पाप धुलता है, इस प्रकार की जो धारणाएं बना के रखी हम, और ये अच्छी लगती है, और उसमें आदमी किसी में फंसा हुआ रहता है और जो करना चाहिए वो नहीं, इसलिए क्या कहते अलज्जिताय लज्जन्ति, अलज्जिता मानी जहां लज्जा रखना चाहिए, जहां लज्जा नहीं रखना चाहिए वहां लज्जा रखते हैं, लाज लगती है, तो कौन सी लज्जा रखना चाहिए, तो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और नशा पान नहीं करना। तो यहाँ ये जो नहीं करना जो आती है बातें, तो यहाँ करने के लिए यहाँ हमें लाज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लगती, हम कर लेते और कहते बड़े साहब नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, और जहाँ गंगा स्नान करना, किसी को कोई मर गया कोई आदमी तो उसके नाम से वो पितृपक्ष मनाना, अमावस्या जो जो कहते पितृपक्ष मातृपक्ष अमावस्या, तो वो क्या जो मर गया आदमी और मरने के बाद में उसको वो जो घास डालते हैं, जो उनको बुलाकर कव्य को खाना खिलाते हैं, और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो मर गया आदमी,
वो खाने वाला तो है नहीं, लेकिन उसमें हमारा विश्वास है, खाते हम लोग, नाम उसका होता है, एक छोटा सा इतना सा निवाला क्या दिए और वो कौवे को बुलाकर, बाकी तो हम ही लोग खाते। लेकिन हम लोग देखो कितना अपना मिथ्या धारणा में फंसे हुए हैं। तो इसको जो करना चाहिए, तो क्या कहते हैं, लज्जिता ये न लज्जरे, क्या कहते हैं, लज्जिता ये न लज्जरे, जिसमें लाज रखना चाहिए, जिसमें लज्जा रखनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण कर्म करना, यह करना चाहिए हमें, मुक्त हस्ते दान करना, शांति संतुष्टि का पालन करना, सत्यता पूर्ण व्यवहार करना, और नशापान नहीं करना। तो क्या करना, स्मृति रखकर, प्रदीप्त रखकर, नहीं क्या, स्मृति का ध्यान रखना है हमें, कोई भी कार्य करते समय स्मृति रखना, अगर ये बातें करना चाहिए तो इसको नहीं करते, और इसीलिए दुर्गति को प्राप्त होती, क्योंकि मिथ्या धारणा में अभी भी हम फंसे हुए हैं। तो सुगति कहाँ से मिलेगी, इसलिए तो कहा यहाँ क्या कहते, अलज्जिता, जहाँ लज्जा रहना चाहिए वहां लज्जा नहीं रखते, जहाँ लज्जा रखना चाहिए वहां लज्जा नहीं रखते, जहाँ लज्जा नहीं रखना चाहिए लज्जा रखते। वैसी बात दूसरी बात कही क्या, अभय च भय दस्यु, जहाँ डर रखना चाहिए, हिंसा करने के लिए डरना चाहिए, नहीं क्या, वहां डर नहीं लगता, और जहाँ गंगा स्नान करना है, पर्दा किसी को घूंघट में रखते, घूंघट में रहने से एक प्रथा बनी है, घूंघट के अंदर रहना है महिलाओं को, उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, तो वहां वहां डर लगता है, वहां लज्जा लगती है, क्यों, क्योंकि चेहरा दिखाने से क्या होगा। तो जहां हमें लज नहीं लगना चाहिए, जहां हमें डर नहीं लगना चाहिए वहां डरते, आचरण करना चाहिए, अच्छा अपटूडेट रहो ना, कपड़े पहनो बढ़िया अच्छे रहो, उसमें काय का डर है। लेकिन बुद्ध कहते ना उसमें धम्मपद में वो जो दंडवग्ग में कहते हैं, क्या कहते हैं, न नगचरिया न जटा न पंखा नाना सका ठंडी लसाई काय हुआ, क्या कहते हैं, न नगचरिया, नग्न रहने से न उपास तपास करने से कोई शुद्धि नहीं आती, लेकिन हम उसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं मिथ्या धारणा में, और आचरण करने की बात आती है मैत्रीपूर्ण कर्म तो नहीं करते, और वहां डर लगता है, यहाँ डर नहीं लगता। इसलिए कहते अभय च भय दस्यु, जहां अभय माने जहां डरना नहीं चाहिए वहां डरते हैं, और जहां डरना चाहिए वहां नहीं डरते, सरेआम करते, डरेआम, हाँ सरेआम, तो शराब पीना है सरेआम पीते, कोई डर नहीं वहां, है ना। तो जहाँ डर लगना चाहिए कि हमारा नष्ट हो सकता है, हमारा शरीर खराब हो सकता है, तो वहां डर नहीं लगता है। फिर वैसे ही कहते कि वर्जित अवज्यता अवज्य वज्य मत्तिनो वज्यसा वज्य दस्यु, अर्थात जो वर्जित है उसको अवर्जित करते, और जो अवर्जित है उसको वर्जित करते। ये तीनों गाथाएं लगभग एक ही समान आती है, बुद्ध ने अलग अलग बताए जरूर, लेकिन देखा जाए तो एक ही बात, जो करना चाहिए वो नहीं करते और जो करना नहीं चाहिए उसको करते, है ना। तो इसीलिए वो दुर्गति के तरफ जाता है। तो दुर्गति के तरफ, तो सुगति के तरफ कैसा होता है, तो सुगति के तरफ कहते वज्जन वज्जंच वज्जतो यत्वा अवज्जंत अवज्जतो, क्या कहते हैं, वज्जंत, जो वर्जित को वर्जित करता है, जो अवर्जित को अवर्जित करता है, अतः जहां लाज लगता है तो वह लाज रखता है, जहां अलज्जा, जहां लाज की जरूरत नहीं वहां लाज की जरूरत नहीं रखता, जहां डरता है, जहां डर है वहां डरता है, और जहां डर नहीं वहां नहीं डरता, तो वो आदमी सुगति को प्राप्त होता है। और कैसा फिर कहते, कहते वज्जन च वज्जतो यत्वा अवज्जन च अवज्जतो समाधिठी समाधाना, अर्थात क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, समाधिठी समाधाना, अर्थात सम्यक दृष्टि से, क्या कहते हैं, अब यहां जो मिथ्या धारणा में क्या, सम्यक सम्यक दृष्टि से जो जो कार्य करता है वो सुगति को प्राप्त होता है। तो आपको अब समझ में आएगा सुगति और दुर्गति में कोई फर्क नहीं। तो यहां अगर देखा कि पंचशील का पालन करने से आदमी सुगति के तरफ जाता है,
सुगति माने क्या है, गति अच्छी गति सुगति, हम कहते हैं सुगति को प्राप्त है बुद्ध। बुद्ध ने अर्हत्व तो प्राप्त किया था, बुद्ध तो प्राप्त किया था, निश्चित सुगति थी उनकी। आप उनके 45 वर्ष तक देखिए, चेहरे में कोई शिकन नहीं, कोई ऐसा उनके चेहरे में आप कभी ऐसा देखा होगा कि कोई भी मूर्ति देखिए बुद्ध की, कितना सुंदर दिखाई देती, कितनी प्रसन्न रहती। और बुद्ध ही नहीं, बुद्ध ही नहीं तो उस समय के भिक्षु अर्हत हो गए थे, तो सुगति उनका चेहरा कितना प्रसन्न होता है। और आज भी देखिए आप, आज जो अभी हमारे सामने जो लाल जी बैठे हुए हैं, उनके चेहरे में देखिए कितनी रौनक है। ये कहाँ से आती है? ये ध्यान साधना से आती है। वो किशोरी लाल जी बैठे, या धर्मचारी देखिए, या और भी क्या नाम हो, यूबीएस गौतम, और जो भी जो आते हैं उनके चेहरे देखिए कैसे खिले हुए है। ये क्यों है? कि उनको सत्य मिला है और वो ध्यान कर रहे हैं, उनके चेहरे में इसलिए रौनक है। और अन्य लोगों की देखिए, उन्हीं की उम्र के लोगों को देखिए बाहर, जो ध्यान नहीं करते या सब पंचशील का पालन नहीं करते, उनके चेहरे में देखिए 80 वर्ष का बुढ़ा टाइप का लगते। तो ये क्या, ये यही देखते हम, यही पश्चि को कहीं दूर नहीं जाना है। तो सुगति हमारे हाथ में है, वो तो उच्च अवस्था है, अर्हत अगर हुए तो उनकी क्या, उनका क्या कहना, जो वहां तक पहुंच गए है। कहां तक पहुंचे? अर्हत तक पहुंचे। श्रोतापन्न से लेकर सकृतगामी हो अनागामी हो, इन लोग के चेहरे देखिए, इन लोग के कार्य देखिए। तो ये है सुगति, अर्थात सुगति और दुर्गति। जो मिथ्या धारणा में है उनके घर में देखिए अंधार है, अभी भी अंधकार है, क्योंकि उन्हें सच्चाई क्या है, स्पष्टता क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है, मालूम ही नहीं। हालांकि बहुत सारे विद्वान लोग होंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे होंगे, मैं तो कहता हूं कि भारत की बात नहीं, कहीं भी पढ़ा लिखा होने से कोई सुगति नहीं होती है। उनके घर में भी है। आज हमारे भी धर्मचारी हो या धम्म मित्र हो, और या जो ध्यान करते धम्म बंधु भगिनी सहायक हो, कोई भी हो, उनको स्पष्टता आई तो उनके चेहरे में की रौनक देखी। उनको 24 घंटे ऐसा लगता कि मैं ये करना चाहिए, उनका मन उसमें लगा रहता है। और वो दुख आना ही है, वो दुख की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये दुख है, शरीर है करके दुख है, तो उसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देते। और इसीलिए हमें ध्यान देना है कि सुगति की तरफ जाने के लिए पंचशील कम से कम हमें अगर उसके जाते हैं। तो दूसरी जो बात कहते हैं लोक विदु, लोक विदु का अर्थ ही होता है कि जो पंचशील का पालन करता है वो लोक विदु के ऊपर जा रहा। और ऐसा कहते हैं कि जो पंचशील का पालन नहीं करता वो अपाय भूमि में जाता है। अपाय भूमि चार भूमि बताए वो, यानी इतनी दुर्गति की तरफ जाने वाले, अर्थात दुर्गति शब्द यहाँ फिर आ जाता है कि वो दुर्गति की तरफ जाने वाले। जो ध्यान करता है, आचरण करता है, वो लोक विदु ऐसे ये संसार, विदु का मतलब विदित होना माने जानकारी होना, पूर्ण संपूर्ण दे संसार में क्या चल रहा सबकी जानकारी होना, मामूली शब्द नहीं। और ये अर्हत के बाद सम्यक संबुद्ध जिसको हम बुद्ध कहते हैं, उसको ही लोक विदु शब्द है कि वो सारे लोग को जानता है, संसार के कितने सारे संसार में लोग है, उन सारे लोगों का रहस्य जानते हो, और इतना अच्छा जानते हो उसका रहस्य। तो लोक विदु बनने के लिए हमें ऐसा कहते हैं कि पंचशील का जो पालन नहीं करता है वो किधर जाता है, वो अपाय भूमि में जाता है। और अपाय भूमि चार प्रकार की बताई, फिर पांचवी भूमि मनुष्य लोक की भूमि बताई, फिर उसके बाद में छह भूमिया है वो और बड़ी अच्छी लोक की बताई, और फिर उसके बाद में और 18 भूमि और अच्छी लोगों की बताई, और फिर उसके बाद में चार भूमि है वो और उच्च स्तर के, उसके बाद में बुद्ध है। अर्थात पहले चार अपाय भूमि में रहते, मतलब अपाय भूमि माने यातना लोक में रहना हमेशा। यातना लोग आपने कहाँ देखा मालूम है? आप एखादे क्या कहते हो दवाखाना, जनरल दवाखाना क्या बोलते, सरकारी दवाखाने में जाइए आप, और वहां देखिए जनरल वार्ड में देखिए कैसे लोग पड़े थे। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, कोई जला है, कोई क्या कर रहा है, कोई प्या कर रहा है, और क्या क्या वहां दृश्य देखो कहीं, तो वो एक प्रकार के यातना लोग है, यातना लोग ना।
तो ऐसी यातना लोक में हम रहते हैं और हमें उससे यातना लोक के कैसे बाहर निकालना है पता ही नहीं, क्योंकि हम पंचशील का पालन नहीं करते और हमें पंचशील के बाद में क्या है, कौन सी सुगति की तरफ जाने वाले हैं ये पता नहीं चलता। तो वो यातना लोक को कभी कभी नरक लोक कहा जाता है, तो ये नरक लोक है। दूसरा है प्रेत लोक, प्रेत लोक के समान मुर्दा, मुर्दा अपन लोग देखते ना मुर्दा लोग, अब मुर्दा को कितना भी मारो कितना भी काटो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, अगर वो तो कितना भी बोलो बेशरम, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, ही हंस देंगे, पेट निकला है खाते रहेंगे और बस जो भी करते रहेंगे, उनको कुछ भी ध्यान नहीं, संसार में आए हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं है ना। तो ऐसे तीसरा है तिर्यक लोक और चौथा है असुर लोक। तो ये जो है चार अपाय भूमि कहा गया इसको, इसको डिटेल तो अभी पिछले बार मैंने बताया है, आप अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखेंगे तो सब बताया उसमें, ये सुगति लोक विदु, तो इसमें ऐसे लोग आते हैं और इन लोगों के ये कितने लोग हैं इसमें, चार अपाय लोग है, उसके बाद में एक मनुष्य लोक है, उसके बाद में फिर छह प्रकार के लोग है, उसके बाद में फिर 18 प्रकार के लोग है और उसके बाद में चार प्रकार के लोग, इतने लोग है, मतलब ये सारे संसार में जितने लोग बोलते मनुष्य लोग देव लोग क्या बोलते ये अपना पशु लोग पक्षी लोग ये सारे लोगों की जानकारी रहती है किसको, लोक विदु को। लोक विदु मतलब सारे संसार के जितने भी लोग है संसार में और उनको क्या तकलीफ है, उसका जन्म कहाँ होने वाला है, वो मरने वाला है, ये सब ये जो जानकार होने बुद्ध लोक विदु है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कम से कम ये अपाय भूमि से बाहर का कम से कम पंचशील का पालन करोगे तो अपाय भूमि को तुम बाहर निकल जाओगे और अच्छे भूमि मनुष्य लोक में आ जाओगे, जिसको मनुष्य कहते हैं। उसके बाद में और भी अच्छे अच्छे कि आप अर्हत तक जा सकते, श्रोतापन्न से, श्रोतापन्न कहने के बाद में ऐसा कहते हैं कि वो एक प्रकार का देवलोक है, उसको देवलोक कहा जाता है श्रोतापन्न होने के बाद, हालांकि वो भी मुक्त नहीं है लेकिन ऐसी ये सुगति जिसे लोक विदु कहते हैं, जिसको सुगति कहते हैं, और उसका ऐसा धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम निश्चित एक दिन हमारा कल्याण कर सकते हैं। फिर तीसरी भूमि है, तीसरा जो कहा है अनुत्तर, अनुत्तर माने श्रेष्ठ, इसके ऊपर कोई उत्तर नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं, बुद्ध ने जो जो भी बात बताई है, आपको लगता है बुद्ध ने आपके अंदर का कोई सवाल है तो आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं, बुद्ध ने सारा सवाल का जवाब दे के रखा है। अनुत्तर, अनुत्तर का मतलब श्रेष्ठ, अनुत्तर माने अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, गुड बेटर और उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का है बेस्ट, और बेस्ट के ऊपर तो नहीं बताया ना अंग्रेजी में कुछ, तो यहाँ ऐसा समझो कि बेस्ट के ऊपर कुछ नहीं, तो अनुत्तर माने सबसे श्रेष्ठ, और ये अनुत्तर अर्थात जिसका कोई उत्तर नहीं है, अतुलनीय है, असाधारण, अद्वितीय, अद्वितीय, हम इसको क्या कहते हैं, असाधारण बातें, अद्वितीय बातें, यहाँ कोई कोई बात ऐसी नहीं रही कि नहीं बुद्ध के लिए। बुद्ध, आप बुद्ध में सभी जो मैंने पिछले बार में बताया था कि उनको जो विद्या प्राप्त होती है, तो विद्या 8 प्रकार की विद्या वो पारंगत होते हैं, 8 विद्या है ना, अब उनके ऊपर किसी की इतने अर्हत को भी विद्या नहीं होती, इतनी विद्या श्रोतापन्न से लेकर अर्हत तक किसी को भी ये विद्या नहीं रहती उनमें, क्यों नहीं रहती, खाली बुद्ध में रहती, और इसीलिए उनको अनुत्तर कहा गया श्रेष्ठ। तो अनुत्तर के लिए क्या बताया, तो अनुत्तर के लिए कहा है श्रोतापन्न से लेकर सकृतागामी अनागामी और क्या कहते बुद्ध, लेकिन यहां एक ध्यान में रखना है, कभी कभी क्या होता है श्रोतापन्न जो लोग होते हैं, अभी हालांकि बहुत सारे लोग होंगे भी अपने को मालूम नहीं, सकृतागामी भी होते अनागामी भी होते, तो इनको कभी कभी युगो आता है, युगो में रह सकते ये
और उनको लगता है हम तो श्रोतापन्न हो गए, अब अर्थ देखेंगे जल्दी हो जाएंगे या अनागामी जल्दी हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा ईगो आ जाता है, आ सकता है। जो रास्ते में है, अभी धम्म मित्र है, धम्मचारी है, धम्म मित्र है, तो धम्म मित्र को ये लग सकता है कि हम तो इन लोगों से थोड़ा ऊंचा है, ऊंचा है इन लोगों से, सहायक से तो अच्छे हैं हम लोग। लेकिन नहीं, यही दावा नहीं करना है। ये अगर दावा किया तो आप अनुत्तर की तरफ जा ही नहीं सकते, आपका अनुत्तर का रास्ता खत्म हो जाएगा। यहां तक कि अनागामी जिसको कहते हैं, अनागामी को ऐसा कहते हैं कि बुद्धत्व के पास में पहुंच गया है, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ, उसको भी अहंकार आता है, उसको भी लगता है बुद्धत्व तो पास में, मैं तो इतना दूर तक पहुंच गया, बाकी लोग तो अभी नहीं पहुंचे, तो मैं तो श्रेष्ठ हूं। ना, वो श्रेष्ठ नहीं। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कहते बुद्ध, ऐसा ही भिक्षु को एक बार ऐसा ही युगो चढ़ गया था, जो श्रोतापन्न थे उनको लगता कि हम बुद्ध तो प्राप्त कर लेंगे, हम तो इससे तो श्रेष्ठ है, इन लोगों से, साधारण लोगों से श्रेष्ठ है हम लोग तो कभी भी कर लेंगे, तो उनको युगो आ गया था। और शकुदागामी वालों को श्रोतापन्न वाले के प्रति उनका भाव, ये तो श्रोतापन्न है, मैं तो शकुदागामी हूँ, मैं तो आगे गया हूँ। शकुदागामी वालों क्या लगेगा कि हम तो अनागामी हो गए, अनागामी वालों को लगेगा कि हम तो अनागामी हो गए, हम तो बुद्ध तो अभी पार कर सकते, तो वो एक दूसरे के पीछे कनिष्ठ देखते, क्या देखते, छोटे छोटे देखते, और उनको अभी अर्थ तो हम तो पार कर लेंगे, एक झटके का काम है। इस प्रकार का ये आपस में ये भिक्षु लोग अपना बातें कर रहे थे कि मैं तो अनागामी हो गया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, बस बुद्ध तो अभी आएगा, हो जाएगा, कोई टाइम नहीं है। और शकुदागामी वालों को लगता कि मैं तो और श्रोतापन्न से ऊपर गया हूँ, मैं तो जल्दी कर लूंगा बुद्धत्व, और श्रोतापन्न को लगता मैं श्रोतापन्न बन गया, मैं भी इधर जल्दी जल्दी रास्ता करता हूँ। और जो इस रास्ते में लगे है उनसे तो श्रेष्ठ हूँ, और इनको भी क्या लगता है फिर, चाहे धर्मचारी हो धर्म मित्र हो, अगर ये रास्ते में है, श्रोतापन्न के रोड पर है, अभी रास्ता पकड़ा है, तो उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत दूर तक पहुंच गए। ना ना, बुद्ध कहते यहाँ धम्मठ वग्ग में कहते हैं, क्या कहते हैं, न शीलबत्त मत्तेन बहु सच्चे न वापन। ना, ए भिक्षु, अगर तुम श्रोतापन्न है, अनागामी है, सकुदागामी है, और बुद्ध तो नहीं प्राप्त किया, तो तुम्हें ऐसा युगो नहीं आना चाहिए। क्या कहते बुद्ध, बुद्ध अपने भिक्षु को समझाते है, समझाते नहीं, एक वार्निंग देते हैं, क्या कहते हैं, ना ऐसा दावा मत करना कि मैं शीलव्रत में बहुत शीलवान हो गया हूं। न शीलबत्त मत्तेन बहु सच्चे न वापन अथवा समाधि लाभेन। क्या कहते हैं, ये भिक्षु ऐसा कभी दावा मत करना कि मैं बहुत शीलवान हो गया हूं, मैं बहुत बहुसुत हो गया हूँ, बहुसुत आनंद हुए थे ना, ऐसे आनंद के समान बहुत सारे लोग हुए थे उस समय भिक्षु लोग, तो ये भी दावा मत करना कि मैं बहुत श्रुत हो गया हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। न क्या कहते, शीलबत्त मत्ते न बहु सच्चे न वापन, तो ऐसा दावा मत करना। और क्या कहते, अथवा समाधि लाभ है न, अथवा या मुझे समाधि का लाभ हो गया, मैं समाधि प्राप्त कर लिया, अब मैं निर्वाण को होने वाला हूँ, मैं समाधि का मेरे को जानकारी आ गई, और मैं बहुत अच्छा बता सकता हूँ समाधि के बारे में, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूँ समाधि के बारे में। ना, कभी दावा मत करना। बुद्ध कहते अथवा समाधि लाभे न, न माने नहीं दावा करो, अगर तुम्हें समाधि भी प्राप्त हुई है तो भी समाधि का दावा मत करना। और क्या कहते, अथवा समाधि लाभे न विवेच सैने न, मैं एकांतवास करता हूँ, मैं एकांतवासी हूँ, मैं लोगों से और हूँ, एक अलग बात हूँ मेरे में है कि मैं एकांतवासी होता है, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, और मैं अपना ध्यान में मग्न रहता हूँ, और एकांतवास में रहकर मैं अभी बुद्धत्व तो प्राप्त करने वाला हूँ, मैं इन लोगों से अलग हूँ, इन लोग तो ऐसे ही है। नहीं, ऐसा भी मत कहो। कहते देखिए बुद्ध क्या अपने शिष्य को, क्योंकि होता है घमंड होता है कभी कभी, हमें हो सकता है हम धम्म मित्र है, धम्मचारी है, हमें भी ऐसा लगता है, अरे हम तो धम्मचारी है,
तो ना दावा मत करना धर्मचारी परिपूर्णता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सोतापन्न भी नहीं है। तो धर्मचारी है तो इसका मतलब ये नहीं है समझना कि हम बहुत बड़े उच्च पद पर पहुंचे, ना। धर्म मित्रों को भी ये नहीं समझना है कि हम बहुत बड़े हो गए, ना। क्यों? कि हमें और आगे जाना है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, आगे फुंसामी नेखम सुखम, नेखम सुखम, जो निर्वाण का सुख है आपको नहीं मिला अभी तक। क्या कहते, फुंसामी, फुंसामी नेखम सुखम, नेखम सुख माने ये जो सुख है, नेखम सुख माने बुद्धत्व का सुख, अर्हत्व का सुख, निर्वाण का सुख। ये जो निर्वाण का सुख आपको जब तक नहीं मिलता, क्या कहते, जब तक आपको निर्वाण का सुख नहीं मिलता तब तक दावा मत करना आप श्रेष्ठ नहीं हो, आप अनुत्तर नहीं हो। आपको वहां पहुंचने के लिए दावा मत करना, पहुंचने के लिए आपको युगों से बाहर निकलना पड़ेगा। अहंकार है, यह अहंकार जो नौवा बंधन है, नौवा बंधन है और यह खतरनाक बंधन है, आखिरी आखिरी का है यह बंधन। तो बुद्ध क्या कहते हैं, फुंसामी नेखम सुखम, फुंसामी फस्स, फस्स माने स्पर्श करना, और फस्स माने स्पर्श करना मतलब प्राप्त करना, यहाँ क्या होगा प्राप्त करना, स्पर्श फुंसानी माने स्पर्श करना। जब तक आपको बुद्धत्व का स्पर्श नहीं होता, जब तक आपको बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता, तो क्या कहते, फुंसामी नेखम सुखम अपुत्थु जन सेवितं, अपुत्थु जन जो साधारण लोग है जिनको बुद्ध धम्म के अभी अभी आए हैं, बुद्ध नहीं समझ में आया, धम्म नहीं समझ में आया, संघ नहीं समझ में आया, और साधारण ये जो लोग साधारण लोग है जिनको अभी बौद्ध बने हैं खाली, उनको क ख घ मालूम नहीं है, तो उनके सामने आप दावा करोगे तो उनको लगा बहुत ऊंचा है, उनके मन में ऐसी बात मत डालना, उनके सामने अपनी क्या कहते उसको बड़ाई नहीं करना कि नहीं हम यहां तक पहुंच गए, और साधारण लोग तुमको नमस्कार करेंगे और साधारण लोग तुमके स्पर्श करेंगे तुमको बहुत ही उनको आनंद होगा, हाँ, लेकिन उनके सामने भी आप इतना बड़ा दावा मत करो कि हम इतने यहाँ तक पहुंच गए हैं। हाँ, क्या कहते हैं, फुंसामी नेखम सुखम, जब तक आपको स्पर्श नहीं होता निर्वाण प्राप्ति का, जब तक आप निर्वाण को प्राप्त नहीं करते तब तक क्या कहते हैं, असाधारण ये जो साधारण लोग है, जो जनता है, साधारण जनता, ये संसार है, ये संसार में रहने वाले लोग है, उनके सामने ऐसे दावे मत करना कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं। तो क्या कहते फिर, विश्वासा समापादी अपत्तो आसव खयं, भिक्कु क्या कहते हैं, ये भिक्कु विश्वासा समापादी, अर्थात जब तक आपको आश्रव क्षय से मुक्त नहीं होते, जब तक आप आश्रव क्षय से मुक्त नहीं होते अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते, तब तक आप क्या कहते, चैन से मत बैठना। क्या कहते, चैन से मत बैठना। कैसा, चैन से कैसा नहीं बैठना कि अब मैं श्रोतापन्न हो गया हूं करते रहूंगा बुद्धत्व, ऐसा चैन से मत बैठो। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, वहां रुकना नहीं है। और ये बड़े बड़े भिक्षुओं को बता रहे, फिर वो सारिपुत्र हो, महामोगलायन हो, महाकाश्यप हो, चुलपंतक हो, महापंतक हो, इन लोगों को जो अर्हत लोग है उनको बता रहे बुद्ध, कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि कभी भी नीचे जा सकते हैं, इसीलिए बुद्ध कहते हैं नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन युगो युगो ऐसा है कि अनागामी अर्हत जब तक नहीं बनता है, अर्हत लोगों को युगो नहीं आता, अर्हत लोग श्रेष्ठ हो जाते, अनुत्तर हो जाते, अनुत्तर में लोकोत्तर श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। तो ये जो तीन बातें है, कौन सी तीन बातें, सुगति, दूसरा लोकविदु, और तीसरा जो है अनुत्तर श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है जिसने बुद्धत्व प्राप्त किया है। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी वो लोकविदु नहीं है, हो सकता है, क्योंकि लोकविदु बुद्ध है, वो ही सारे संसार के लोगों को जानते हैं, और उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। सम्यक संबुद्ध, ये आपके मन में क्या चल रहा है, ये प्राणी कौन से गति को पहुंचने वाला है, ये प्राणी दुर्गति की तरफ जा रहा है कि सुगति की तरफ जा रहा है, और उसको कौन सा उपाय कौशल्य से कैसा धम्म बताना है, इसको लोकविदु कहते हैं। तो आप भी लोकविदु बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको भी धम्म बताना आना चाहिए,
बुद्ध लोकविदु इसलिए कहते हैं कि कोई भी लोक, कोई कौन सा भी लोक हो, उदाहरण के लिए अगर किसा गौतमी उनके पास जाती है और कहते मेरे बच्चों को जिंदा कर दे भगवान, मैं सारा घूम कर आ गई हूँ और मेरा बच्चों को किसी ने जिंदा नहीं कर दिया, भगवान आपका नाम बताया आप जिंदा कर दीजिए। लेकिन बुद्ध यहाँ लोकविदु है। क्या है बुद्ध? लोकविदु है। कैसे लोकविदु है? कि वो उनके मन को जानते हैं कि इसको कौन सी शिक्षा देना है और कैसा इसको इसका पलटीकरण करना है, इसको कैसा परिवर्तन करना है इसको। वो करुणा से देखते हैं अंदर से उसको, किसा गौतमी को करुणा से देखते है, हाँ ये बदल सकती है। अंगुलीमाल को देखते है ये बदल सकता है, पटाचारा को देखते है ये बदल सकता है। उपाय कौशल्य देखकर उनको अपने धर्म में प्रविष्ट करते, परिवर्तन करते उनका, इसको कहते हैं लोकविदु। इसलिए लोकविदु बस सबसे श्रेष्ठ है, लोकविदु सबसे श्रेष्ठ है। यही यही किमया, यही उपाय कौशल्य अपने को भी अपनाना चाहिए। क्योंकि हम हमारे संसार में अभी देखे तो अभी बहुत से लोग अभी बौद्ध को नहीं समझे, बुद्ध को नहीं समझे, धम्म को नहीं समझे, बोधिसत्व कहाँ समझ में आ जाएगा। तो उनके पास में जाकर उनको ऐसा ही दांत टपका कर नहीं धम्म बताना है, कहे तेरे घर में ये है वो है निकाल दो फेंक दो, ना, उनके मन से लेकर उनकी बात उनको बताकर उनके अंदर का जो कर्मकांड है, उनके अंदर जो मिथ्या धारणा है उसको निकालना लोकविदु है। मामूली शब्द नहीं लोकविदु। सारे संसार में जितने लोगों पर राज्य करते बुद्ध, इतने लोगों का ज्ञान है उनको, लेकिन मनुष्य लोक को कैसा ऊपर लाना है तो ये हमारा भी कर्तव्य है। हमें लोकविदु बनना पड़ेगा और लोगों के मन को बदलने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कौन सा उपाय कौशल्य करना है? उनको डांटना नहीं चाहिए, फटकारना नहीं चाहिए। किस तरह से वो आ सकता है अपने संग में, किस तरफ से अपन उसको बुद्ध धर्म की ओर खींच के ला सकते और निर्वाण तक ले जाने के रास्ते पर ला सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पीछे रहेंगे वो निर्वाण तक हो सकता है, तो आपका पुण्य कर्म है समझिए। तो इसलिए आप ये बात ध्यान में रखना है कि हम कौन सा उपाय कौशल्य से लोगों को बुला सकते। ये उपाय कौशल्य है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है बोधि प्रकाश जी और चला रहे उनकी टीम प्रज्ञारश्मि जो चला रहे है, ये उपाय कौशल्य है। ये लोगों को कैसा जोड़ना है? जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, घर से देखना शुरू करेंगे तो बाहर निकलेंगे। हाँ, तो उपाय कौशल्य मैंने लोक में हमारे वो है, वो बीज है, उसको विकसित करते करते बुद्ध के समान हम बन सकते। तो ये लोकविदु पुरुष धम्म सारथी अपन बाद में देखने की कोशिश करेंगे। और ये तीन बात जो है, पहली बात सुगति, दूसरा लोकविदु और तीसरा अनुत्तर, ये लोकविदु श्रेष्ठ है। लोकविदु सभी लोगों को जानते हैं, इसलिए यहां तक अपने को पहुंचना है और यहां तक हमारी मंजिल रहना ही चाहिए। तो आप दावा मत करो कभी भी और ध्यान पर ध्यान दो। क्या कहते बुद्ध? तब तक चैन से मत बैठना। क्या कहते? ए भिक्खु इच्छा समापादी अपत्तो आसव खयन। जब तक आप बुद्धत्व को प्राप्त नहीं होते, जब तक आपके अंदर के आसव खत्म नहीं होते, मतलब चित्त में जो मल गंदगी गंदगी बैठी हुई चित्त में, वो जब तक खत्म नहीं होती, शुद्ध नहीं होते, चित्त को परिशुद्ध नहीं करते, तब तक आप चैन से मत बैठना। बुद्ध कहते चैन से मत बैठो कि मुझे अभी बुद्ध तो प्राप्त होने वाला है, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, मैं धम्म मित्र तो धर्मचारी बने जाऊंगा, धर्मचारी है तो अभी मैं श्रोतापन्न बने जाऊंगा, ऐसा नहीं। चैन से नहीं बैठना, काम भी करना है, लोगों को धम्म भी बताना है और अपना भी विकास करना है, रुकना नहीं है और समान लोगों के समान रहना है। कोई बात नहीं, कोई अपना बड़ा वर्चस्व मैं बहुत बड़ा हूं ऐसा नहीं बताना है। उसको लोकविदु कहा है, उसको अनुत्तर कहा है, उसको सुगति प्राप्त होना ही है। तो आपके सामने मैंने तीन बातें बताने की कोशिश की, सुगति, लोकविदु और अनुत्तर। आपने सुना, आपके अंतर्मन को